Hey guys, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल में। और आज हम लोग बहुत दिनों बाद अजय टू का एक चैलेंज करने वाले हैं। तो चैलेंज है मैप यूज नहीं करना है मिशन शोडाउन एट द डॉक्स यानी मिशन 13 में। सो, आप लोग समझ गए हो कि ये कोई चैलेंज नहीं है। बात तो सही है। और इस बात पे आप लोग ही नहीं, जिसने चैलेंज दिया वो भी एग्री करेगा। सिंपली भाई को अजय का गेम प्ले देखना था। मतलब जस्ट इमेजिन, अगर आप कोई सिंपल गेम कंप्लीट करते हो जिसमें मैप होता है, उस गेम को अगर आप दोबारा खेलोगे तो हमको नहीं लगता कि आपको मैप की जरूरत पड़ेगी, अनलेस उसमें कुछ डिफरेंट सिचुएशन ना आ जाए, जैसा कि सेम हमको इसी मिशन में करना पड़ गया था नाइफ ओनली के पार्ट 2 गेम प्ले में। सो दैट्स व्हाई इसको हम लोग एक चैलेंज नहीं, एक रिक्वेस्ट कंसिडर करेंगे। और आप लोगों को पहले ही बता दे रहे हैं कि ये एक रिजेक्टेड चैलेंज है। मतलब ये चैलेंज हम कभी भी अपलोड नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये गेम प्ले हम जिस तरह से खेले हैं उस तरह का गेम प्ले आप लोगों को YouTube में आसानी से मिल जाएगा, बहुतों ने खेल रखा है। और हम हमेशा से आप लोगों को डिफरेंट गेम प्ले एक्सपीरियंस कराना चाहते थे, लेकिन मेरा PC खराब हो गया तो मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। अब आए ना लाइन पे। और भी बहुत कुछ बताना है, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। हो सके तो हम डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल देंगे, आप लोग वो पढ़ लेना। सो, इतना हो गया, लेट्स गो गाइस। ऑल राइट गाइस, तो गेम हार्ड में सेट है और हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं जो बहुतों ने खेल रखा है, बट एक छोटा सा रिक्वेस्ट पूरा करने के लिए चलेगा। और आगे एक ट्रिक यूज करना है जो मोस्टली, हमेशा तो नहीं लेकिन मोस्टली वर्क करता है। सो दैट्स व्हाई हम असोल्ट फेंक दिए हैं और पिस्टल रखे हुए हैं। ओके, शायद हम उसको चकमा दे दिए हैं, खड़े होकर जा सकते हैं। आँख लाल हो गया है, पकड़े गए गाइस, बैठ करके जाना चाहिए था, रिस्क नहीं लेना था। अब्लिस गाइस, अब्लिस, अब्बा अब्बा, पता नहीं आप लोगों ने ये वर्ड सुना है कि नहीं। एनीवे, एक बार फिर से, असोल्ट का जरूरत नहीं है, पिस्टल एक ही जगह काम आएगा। और इस बार हम लोग थोड़ा सा पहले डिस्ट्रैक्ट करेंगे। एकदम सही, लीन होकर जाने का जरूरत ही नहीं पड़ा। ओके, अब दौड़ा जा सकता है। लगे हाथ हम एक और चीज़ आप लोगों को दिखा देते हैं, क्योंकि बहुतों को इसमें भी लगता है कि हम चीट यूज़ कर रहे हैं। तो बात यह है कि जैसे कि हम अभी नाइफ पकड़े हुए हैं, सेम इसी तरह हम लोग हीट विज़न और बायनोकुलर होल्ड किए रह सकते हैं अपने हाथों में, जो जनरली नहीं पकड़ता है, हम लोग इसको डायरेक्ट यूज़ ही करते हैं। तो करना क्या है, दोनों में से कोई भी इस तरह से यूज़ करते हुए पानी में जाएंगे, बस इतना ही। और जब पानी से निकलेंगे तो हमारे हाथों में बायनोकुलर रहेगा, और अगर हीट विज़न रहता तो वो हमारे हाथों में रहता। इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं पानी में रहते हुए बाय क्लिकिंग वेपन इक्विप बटन 1, 2, 3, बस इतना ही। इसका कोई फ़ायदा या बेनिफिट नहीं है, ये बस ऐसे ही है। और ये बात सबों को पता है, कुछ नया नहीं है। ऑल राइट गाइज, तो जो ट्रिक का बात कर रहे थे वो ये है कि वो क्रेन में जो स्नाइपर है उसको मारने से ग्रेनेड मिलेगा, जिसका सबसे ज़्यादा हाई चांसेस है। लेकिन 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 अगर हम लोग का किस्मत ख़राब रहा तो कुछ नहीं मिलने वाला है। सो हेयर इज़ द थिंग, अगर ग्रेनेड मिला तो हम लोग ग्रेनेड से किल करेंगे और मिशन को अंजाम देंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं मिला, ग्रेनेड नहीं मिला, तो हम लोग नाइफ किल ही करेंगे, सब कोई को नाइफ से ही मारेंगे। सब कोई को नहीं, सिर्फ बॉस फाइट में। ओके, यहाँ में आवाज़ बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा ये आप लोग जानते ही हो। और आप लोग देख ही सकते हो हमारे हाथों में है बायनोकुलर, बस, और इसका कोई यूज़ नहीं है। ओके, अब देखते हैं हम लोग को ग्रेनेड मिलता है या नहीं। वेरी नाइस, यानी अब हम लोग नेट यूज़ करेंगे।
यहाँ में ना गाइस मैक्सिमम गेमर ये लेफ्ट वाला रास्ता चुनते हैं, ये वाला, लेकिन मेरे से होता नहीं है, सो हम इस साइड से जाएंगे और यहाँ से परफेक्ट लैंड करना मेरे लिए आसान हो जाएगा क्योंकि हम पिस्टल लिए हुए हैं एम करने के लिए, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल तो अभी भी है मेरे लिए। ओके, यहाँ में हम लोगों को उस स्ट्रीट लाइट में उतरना है ताकि हम लोग का हेल्थ डाउन ना हो, तो एम करना है, थोड़ा सा पीछे होना है और आगे बढ़ जाना है, बस जंप करने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ में इन सब वेपन की ज़रूरत नहीं है सिवाय नेट के। कटसीन स्टार्ट होने से पहले नेट हम लोग यहाँ में फेंक देते हैं। ओके, अब जल्दी से, आई होप टाइमिंग में कोई गड़बड़ नहीं हुई। ओके, तो हमारा मिशन कंप्लीट हुआ विदाउट यूजिंग मैप। एंड आई नो ये गेम प्ले मेरे प्रीवियस गेम प्ले से मिलता जुलता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा, अगर आप लोगों ने वो गेम प्ले देखा है तो। लेकिन अगेन हम यही बोलेंगे कि एक छोटा सा रिक्वेस्ट पूरा करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइज, ये रहा हम लोग का रैंक या स्कोर जो कुछ ही टाइम के लिए रहता है। एनीवे, दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये गेम प्ले अच्छा लगा हो। एंड बात करें ब्लूपर्स की, तो देखो इस बार इतना बुरा भी हाल नहीं रहा मेरा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर आप लोगों को इसी मिशन का किल एवरीवन गेम प्ले देखना है तो इसमें क्लिक करें, या फिर GTA San Andreas मोबाइल में जिसका सीरीज अभी इस चैनल में एक्टिव है।